पप्पू
पप्पू उठना बेटा, क्या हुआ? पप्पू क्या पापा? पप्पू क्या पापा, जल्दी आओ ना, देखो क्या हुआ पप्पू को। पप्पू पप्पू पानी लेकर। पप्पू पप्पू बेटा क्या हुआ तुझे? पप्पू उठना बेटा। पप्पू पप्पू ये बेटा, पप्पू की तबीयत खराब होने के कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बाहर एक पेशेंट आया बहुत ही सीरियस कंडीशन में, आपको अभी चलना पड़ेगा। ठीक है चल। पप्पू क्या बेटा उठ देख, मार हो रही है बेटा, बात कर उसे। पप्पू डॉक्टर साहब साइड को मुझे चेक कर दीजिए। देखो ना पप्पू, बेटा देख कुछ हुआ तो क्या हुआ। पप्पू देख तेरी मार हो रही है बेटा, वो बात करो से। प्लीज बाहर लेके जाइए और मेरा चेकअप का सामान लेके आइए। पप्पू आइए बाहर आइए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, आइए डॉक्टर साहब है ना, सब ठीक हो जाएगा, आइए। ठीक तो होगा ना हमारा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, चुप बैठो, रोना बंद करो प्लीज। कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग है ना हिम्मत से काम लो, डॉक्टर साहब है ना चेक कर रहे हैं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसको, रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत मत मारो, कुछ नहीं होगा उसको। क्या डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आपका बेटा बड़ी सीरियस कंडीशन में है। क्या हुआ उसे? उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज हुआ है। ये क्या होता है? उसके दिल में छेद है। छेद? आपको जल्द से जल्द 10 लाख रुपए की इंतजाम करना पड़ेगा। 10 लाख? क्या आप कर पाओगे? हाँ डॉक्टर साहब मैं करूंगा, प्लीज उसको बचा लो, कुछ भी करो आप उसको बचा लो प्लीज। ठीक है मोहन, ऑपरेशन की तैयारी करो। यस सर। इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? करेंगे हम, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, हमारे पास घर है, अभी ये सब कुछ भेज देंगे, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, बचा लेंगे अपने बेटे को, कुछ नहीं होने देंगे उसको, तुम हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा उसको। बड़ी मुश्किलों के साथ पप्पू के माता पिता ने 10 लाख का इंतजाम किया, इसके लिए पप्पू के माता पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया। पप्पू का ऑपरेशन कामयाबी से हो जाता है, उसके बाद पप्पू के माता पिता ने पप्पू को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाया और पप्पू की शादी भी कराते हैं। पर शादी के बाद पप्पू का स्वभाव कुछ इस तरह बदल जाता है कि वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है। पप्पू को एक बेटा भी होता है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। बहू, ओ बहू, हाँ बोलो क्या हुआ? एक ग्लास पानी तो लाना। मैं अपना काम करूँ या आपका काम करूँ? आप खुद नहीं ले सकते? ठीक है मैं खुद ही लेती हूँ, तो अपना वही काम कर। इसी प्रकार का बर्ताव रोज होने के कारण सास और बहू में रोज अनबन सी होने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ हुआ। बहू, ओ बहू। हाँ बोलो। बेटा एक कप चाय लाना। क्या मम्मी को बोलो ना बनाने के लिए? बेटा मम्मी नहीं है, बाहर गई है राशन लाने। हाँ ठीक है बनाती हूँ। जब देखो तब काम बोलते हैं, नौकरानी समझ के रखा है। मम्मी रात में के नाम पे घूमने चल जाए। पूजा, पूजा हाँ घर आ गया? कैसा था तुम्हारा आज का दिन? ठीक था। क्या हुआ? कुछ नहीं। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी पापा ने मुझे नौकरानी बना के रखा। क्या बोला उन्होंने? घर का सारा काम मुझसे कराते हैं। ऐसा क्या उन्होंने? हाँ। रुक मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। इसी दौरान पप्पू अपने माता पिता से बात करने जाता है। पापा, पापा। हाँ बेटा बोलो। क्या कहा आपने अपनी बहू से? क्या दुश्मनी आपकी उससे? दुश्मनी? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ कहा ही नहीं तो वो ऐसे ही रो रही है। मुझे क्या मालूम क्यों रो रही है? वो कह रही है आप दोनों ने उसे नौकरानी बना के रखा है। नौकरानी? अरे बेटा एक कप चाय बनाने को कहा था। पीली है वो मेरी नौकरानी नहीं है, उसे अपने भी काम होते हैं। पता है उसे क्या काम होते हैं?
दिन भर तो मोबाइल में बिजी रहती है, कब चाय नहीं बना सकती? घर की नौकरानी नहीं है वो, जो दिन भर काम करती रहेगी। आप दिन भर घर में बैठे रहते हो ना, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो ना, तो आप एक कप चाय बना के नहीं पी सकते? तो मैं भी चाय बनाऊ इस उम्र में? आपकी उम्र के लोग अभी भी बाहर काम करते हैं, आप तो फिर भी घर में बैठे हो, क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? कुछ चाहता क्या, मैं इस उम्र में बाहर जाके काम करूँ? जा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तुझे इसका भी बनाया था पढ़ा लिखा के? मुझ पे कोई एहसान नहीं किया था आपने, आपका फर्ज था आपने किया। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, मैं भी अपने बच्चे के लिए करूँगा, इसलिए मुझे ये मत सुनो कि मैंने लिए ये किया। भगवान, ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? देखो कैसे बातें कर रहा आज हमसे ये बेटा। कोई अपने पापा से ऐसे बात? प्लीज यार, प्लीज मुझे और इंटरेक्ट मत करो प्लीज। रोज रोज का तुम लोग का लगा रहता है नाटक, चैन से जीने क्यों नहीं देते यार मुझे? जब देखो तब तुम लोग का कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। प्लीज मुझे वो नहीं, इसको चैन से जीने दो, दिमाग खराब करके रखा है। बाहों के हर फूल को खुशी के लिए वृद्धाश्रम चले जाते हैं, लेकिन पप्पू को उनके रहने खाने और पीने के लिए हर महीने 20,000 रुपए देने पड़ते हैं, जो पप्पू के लिए एक बोझ बन चुका था। कुछ सालों बाद पप्पू के माता पिता के देहांत की खबर आई और यह सुनकर पप्पू का बर्ताव कुछ इस तरह था। हेलो हेलो, मेरी बात पप्पू जी से हो रही है? हाँ यार बोलो, अब क्या क्या मेरे माँ पापा ने? देखो आपके लिए बड़ी बुरी खबर है। क्या? आपके माँ बाप का देहांत हो गया है। क्या? हाँ, आप जल्द से जल्द वृद्धाश्रम आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा ही हुआ जान तो छूटी, हर महीने के 20,000 तो बचेंगे। वक्त गुजरता गया और पप्पू बूढ़ा हो गया। उसी दौरान पप्पू का बेटा भी बड़ा हो गया। उस वक्त पप्पू के बेटे का स्वभाव कुछ इस तरह था। आ गए? ये कोई वक्त है घर आने का? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या है ये, कैसी बात आ रही है तेरे अंदर से? क्या है, तूने शराब पी है? हाँ पी है। तो तू शराब पी क्या मेरे घर में आया? हाँ पिया है। तो तमीज। The whole world is full of beauty and happiness.
but the wonders of the world are only seven. If you don't want to face the curse of Almighty in hell, then respect your parents, because they are the path of your heaven. Love and respect. Thank you.
Thank you.
हेलो, हाँ उसको क्या हो गया? अरे उसको बोलो ना टोकन देने के लिए, क्या कर रहे तुम लोग? इलेक्शन आ रहा है। हाँ 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 ओए अरे सब 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 बैठना है नहीं सब सब अरे टोकन देने को बोलो, इलेक्शन आ रहा है। हाँ चलो वो सिंगर है वो फोन करो। क्या काम है? फोन करो। हेलो। हाँ हेलो बोला। हाँ सिंगर ने सर। हाँ हाँ पाटिल साहब आपको बुला रहे थे। क्यों? अरे क्यों क्या, टोकन के लिए बुला रहे रहेंगे। अरे इलेक्शन आ रहे ना। अच्छा इलेक्शन है तभी हमारी याद आती है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर, आ जाओ आप जल्दी लेके आने को। मैं आता हूँ। अरे हाँ वो टोकन ही लेके आता है बार बार। हाँ ग्यारह बजे फ्री रहोगे क्या? ग्यारह बजे आता हूँ मैं। हाँ ठीक है आ जाओ। ग्यारह बजे बोला है उसको। हाँ ठीक है क्या रे पिए ना मेरा बनना तो मैं किचड़ा है, बनना तो मंत्री था, गलती से पिए बना दिया मैंने। कब से पॉलिटिक्स में आप? ये देखो दुनिया भी पैसे वालों की बोल रहे। पटेल सर मैंने तो आपका ख्याल रखा, लेकिन आपको भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी ख्याल आपका, मैं ख्याल नहीं रखता आपका। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे वर्सोवा में 5-स्टार होटल बनाना है। वर्सोवा में? अरे झोपड़पट्टी में क्या 5-स्टार प्रोजेक्ट बनेगा? मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन की थिंकिंग। अरे आपको पॉलिटिक्स जमता नहीं है, बिजनेस में घुसने दो। आखिर तक हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? आपके लिए तालियां।
फिर से आ गए आपका बहुमूल्य वोट लेने के लिए और आपसे कहने के लिए कि इस बार वोट हमें ही देना, बाकी आपके सारे परेशानियों को सही है क्या? ये समझदार को इशारा काफी होता है, आपको समझने का इशारा क्या था? सिर्फ एक बार हमें आपकी सेवा का मौका दो और फिर मेवा ये कहेंगे क्या फ्लो तुम मेरा मैच किया ना हो थोड़ा मेवा सेवा आने से याद आया सुबह से कुछ खाए नहीं। अरे 5 साल से हम ही तो खा रहे तो भाई और बहनों इस बार वोट हमें ही देना, बस इतना कहते हैं और आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे 5 साल बाद। कुछ न्यूज है क्या पेपर में आज के? हाँ, एक पीए ने की एक मंत्री की हत्या। क्या करते मैंने आपको अभी तक जिंदा रखा है? और कुछ अरे कोई तो आ गया, कोई तो आ गया। अरे कल सुबह बुलाया था आपने, अब आएगा वो? मैंने सोएगा क्या वो काम? अरे वोट चाहिए कि नहीं? हाँ, वो भी आने दो। अरे भाई बैठो सब, मैं वर्सोवा के चौल में रहता हूँ। हाँ। उधर कुछ दिन पहले 2 बड़े आदमी आए थे, बोले होटल डालने वाले, सब हम गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी हम लोग क्या बिल्डिंग बन देगा सब? क्वालिटी कम जाएगा आपको? चुप बैठे अरे। हाँ बोलो। तो सर उसका कुछ करो, हम 20 उम्र में कहाँ जाएंगे साहब? अरे किधर हुआ उम्र हुआ है आपका? क्या बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम तो सब याद नहीं है, बहुत बड़ा। अरे क्या डिस्कस कर रहे हो, ऐसा है डिपार्टमेंट का मामला, चल निकल, हम लोग का काम नहीं है। ए म्युनिसिपैलिटी में भेजो इसको। अरे तू बैठ इधर बैठ। कॉमन मैन गोज टू SRA डिपार्टमेंट एज सजेस्टेड बाय मिस्टर पाटिल। बड़ी मैडम का संबंध है, थोड़ा बात करना घर के सिलसिले में, बात कराओ ना थोड़ा। अरे एक मिनट। बड़ी मैडम के अंदर थोड़ा बात करने का घर के सिलसिले में। अरे यार वो मैडम बिजी रहती है रे। बम्बर मैडम नहीं है बंदर? अरे है लेकिन थोड़ा देर वेट कर ले, मैं बुलाता हूँ तुझे। बात और भी काम है जरूरी, थोड़ा बात करा दो ना बस जल्दी। हाँ मैं बुलाता हूँ यार, रुक ना 2 मिनट। कितना टाइम रुकना पड़ेगा साहब? हाँ बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, 10 मिनट रुक, मैं बुलाता हूँ तुझे। ठीक है सर। आफ्टर हाफ एन आवर सब वो सब अरे सॉरी मैडम सॉरी, वो आपसे मिलने के लिए कोई आया है। हल्लू बोल। अरे हाँ सॉरी मैडम सॉरी, मैं भेजू क्या उसे अंदर? पाठो। हाँ हाँ पाठो। तो इधर इसका मैडम बोलो देना। हाँ आ जाओ मैडम, वो थोड़ा घर के इससे बात कर रहा था। बैठो काका। वो मैडम पाटिल साहब ने भेजा है।
तो थोड़ा मदद कर दो आप मैडम, घर के इधर होटल डालने वाले, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में साथ बीवी बच्चों के साथ। कौन है बिल्डर? बिल्डर सिंगानिया करके कोई तो है बिल्डर, देख लो आप थोड़ा मैडम। अच्छा, घर के कागजात है? हाँ मैडम, राशन कार्ड है। हाँ तो कुछ नहीं, काम हो जाएगा। ज्यादा बाहर बैठा है, 20 नंबर का फॉर्म देने बोलना, 20 नंबर का, और जो बोले वो दे देना। ठीक है मैडम, आम आदमी मैडम, थोड़ा जल्दी कर दो मैडम। आम हमें भी पसंद है, लेकिन आप पहले से चूसे गए हो। अरे 20 नंबर का मुझे पता ही था, वही लफड़ा होगा। ये ले, लेकिन इसका कॉस्ट मालूम है 500 रुपए। सब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सब अरे सब लोग गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। 500 रुपया लगेगा, देना है तो दे, तो जा। काम हो जाएगा सर? हाँ, 1 महीने बाद हो जाएगा तेरा काम। ठीक है सर, दे दो। हाँ ये ले। अरे जल्दी देना। अरे साहब, किधर किधर जेबी मालूम है कैसा? तुम लोग आप अच्छे है ना, इसलिए। हेलो भाई को, आज चिकन खाएंगे, चिकन। अरे 100 रुपए का झोल तो हो ही चुका है। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ। After a month, Mr. Patil wins the election by majority of votes and common man comes to congratulate him. फिर से मंत्री मरेगा, अच्छा लगेगा आपको? पढ़ू क्या? अबे यार, ये आम आदमी बार बार आ जाता है इधर। अब बोलो, जीत गए अब इसकी क्या? सर, जीत की बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर वो थोड़ा काम ना। हाँ सर, थोड़ा काम हुआ का सर? कौन सा काम? आपने वो कुछ दिनों पहले भेजा था हमारे मैडम के पास, अभी तक 1 महीना हो गया सब काम। आप कब आए थे? सब आया था सब कुछ दिनों पहले, शिव कुमार नाम है सर मेरा, वो वर्सोवा का। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो आपको हमारे मैडम के पास भेजा था ना? हाँ सर। तो क्या हुआ उसका? सर मैडम ने बोला राशन कार्ड है, तो मैंने बोला हाँ है करके, तो फिर हो जाएगा काम, तो अभी तक हुआ नहीं सर, तो क्या करूँ? अभी तक इससे ही बात कर रहे हो क्या? पब्लिक बोर हो रही है, देखो ना उधर। तो सब कुछ करो। कौन सा बिल्डर है तेरा? सिंगानिया। अरे सिंगानिया सर, अपना माई बाप, जिससे आप टोकन लेते हो, टोकन बदला। आपका काम है ना, वाघमारे मैडम कर देते थे, आपका उससे पेपर का इश्यू होगा, और सिंगानिया सर नहीं करेगा। वो अच्छा आदमी है, भला आदमी है वो, आप कराओ ना सर। मुश्किल है पर देखता हूँ होता है क्या। जल्दी करा दो फिर भी थोड़ा। देखता हूँ। आ जाओ। अबे ए आम आदमी, जरा आम तो चला गया, गुटली बची है, तो भी बार बार इधर आ रहे हैं। अरे काम था क्या? वो तू उसको प्रेशर देता है, वो मेरे को प्रेशर देता है। ठीक है, अब भी जाना, और जिधर बोले ना उधर ही जाना, वापस इधर आना मत, नहीं तो तू भी नहीं रहेगा और तेरा जो कागजात वाला घर है ना वो भी नहीं रहेगा। चल निकल। ए क्या बोल रहे तू? कुछ नहीं। अरे उससे काम भी नहीं होता है मंत्री से। अब बोले जा, ले क्या कर लेगा? हाथ में फोन लगाओ ना, मेरा तो आपको दिया। ले रहे मेरी। अरे गाइड कर रहा हूँ आपको, यही करता है पीए। हेलो। हाँ हेलो, बोला पाटिल साहब। अरे सिंगाना क्या है वो तेरा, वर्षों का टेनेंट आ रहा है बार बार। कौन? वो शिव कुमार करके कोई है, देख लेना थोड़ा उसको। अरे शिव रेंदे, रवि रेंदे, सब झोपड़पट्टी वाले को मैं संभाल लूंगा। अरे वो क्या काम है मेरा? वो तू संभाल ले, पर इधर फिर से नहीं आना चाहिए मेरे। नहीं आएगा, आप अपने पे ध्यान रखो, मैं अपना कर लूंगा। हाँ बाकी का टोकन देखा तो। चलो Mr. Singhania tries to force the common man to leave the property with Suleiman Pasha. हाँ सिंगाना साहब बोलो। अरे यार सुलेमान, यार क्या चालू है यार, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे वो सिम करके है कोई वर्षों के झोपड़पट्टी में गले में यार, अरे क्या पड़ा है यार? आप चिंता मत करो, हो जाएगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को खाली हो जाएगा, आप चिंता मत करो। 7 दिन में खाली चाहिए, चाय पानी से मांगते तो मांग, नहीं तो घुसा दे। चलेगा ठीक है, ठीक है हो जाएगा। Mr.
हजूर हाँ आ रहा हूँ सर, तैयार हो रहा हूँ। आ जा सुपारी आयला है क्या साहब? यहाँ सुपारी आयला क्या? आयला आयला चल सुपारी बजाना है। ए कोई बुड्ढा शिव नाम का बुड्ढो कोई मारा चलो। साहब होनी होना मंगता है मेरा हो जाएगा, चिंता मत कर। सुलेमान भाई का राइट हैंड होके भी अभी तक एक मर्डर नहीं किया है, आगे बढ़ रहे जाते ही डूबने का है क्या भाई उसको? हाँ जाते ही जाते ही। ए इधर सुलेमान को, ए शिवकुमार शिवकुमार इधर आ इधर आ। अरे शिवकुमार कौन है? मैं हूँ सर। रोक दूँ क्या? रोक दूँ क्या? जो टोकन दे रहा है सिंघाने ले चुपचाप और चले जाए। अरे कौन से घर के लिए मर रहा है तू? ये देख चार दीवारी जोर से खासेगा उसमें मर जाएगा। समझ रहा है? एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, समझा? चल मैं तो बोलता हूँ एक हफ्ते मत खाली कर, अपना मोटी होना ही बनता है। ना जाने कितने लोगों के घर और बेघर होते होंगे हर रोज। अब तो मैं थक चुका हूं लेकिन आप लोग जरूर रहना, जरूर रहना आप लोग।
11 through this act we gonna tribute to our soldier who sacrificed their life on 26/11. We gonna relive those moments once again in front of you, so presenting 26/11. दो दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। चलो बेटा, पापा इंतजार करते होंगे। तो जब कभी भी आतंकियों के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिल और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तारीख याद आती है, 26/11। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भयंकर और बुरी घटना थी ये, जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सीन वन, द डे ऑफ टेरर। मम्मी,
झुकेगा, चाहे जो हो जाए ये झंडा नहीं झुकेगा। वंदे मातरम। हेमंत करकरे, विश्वकांत आमले, ये सभी लोगों ने अपने जान पे बाजी कर जान अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो आइए उन्हें याद करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सो गाइस प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दीवान कहता है कोई पागल समझता है, क्या बात, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। की तरह थे अब उस बच्चे की तरह जिन्हें हमसे प्यार तो था लेकिन बस खेलने की हद तक। हम हमारे अपनों से दूर हो गए, हम हमारे अपनों से दूर हो गए, जो ख्वाब देखे थे वो सारे चूर हो गए, गिरेबा साफ करके वो ऐसे निकल गए जैसे गंगा नहाए हो, और जमाने में हम बेवफा के नाम से मशहूर हो गए। समंदर पीर का अंदर भले इन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को तू अपना बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। चल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई खाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब
सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। क्या बात, सजी है खुशनुमा महफिल, सभी दिलदार बैठे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर इश्क के बीमार बैठे हैं। हसीनों की अदाओं पे सभी दिल हार बैठे हैं। हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार। करना तो दिल देख के करना, सूरत हर इंसान की प्यारी नहीं होती। प्यार में कसमें खाना तो उसे मरते दम तक पूरा करना, मजबूरियों का नाम लेके प्यार को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। ये शेर उन लोगों के लिए है, आखिरी शेर उन लोगों के लिए जो प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि उस लड़की के लिए अपनी जान दे देने को तैयार हो जाते हैं। के हाथों में परचम हो नहीं सकता, खुशी के घर में भी बोलो कभी क्या गम नहीं होता। फकत एक आदमी के वास्ते जग छोड़ने वालों, फकत एक आदमी से ये जमाना कम नहीं होता। I hope you are enjoying and I am enjoying this particular thing. Right? I must compliment you. आपने बुलाया तो बोलना पड़ेगा। खामोश खामोश हम भी थे, खामोश हम भी थे, खामोश तुम भी थे, फिर वो कौन था जो बोल रहा था। अब मैं तो एक शेर सुनाता हूं आपको। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आए लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। बाबुल सर, दम क्या है बाबुल सर, टोचन वाले बुला के बहुत बड़ा गेंद है। गम क्या है समंदर का, अशफाक सर को पता है। ये पर्टिकुलर शेर अशफाक सर के लिए, मेरे अशफाक सर को सब पता है मेरा, इसलिए मैं बात करता हूँ। गम क्या है समंदर का, गम क्या है समंदर का, बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। गम क्या है समंदर का, बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। वो छोड़ गया है साथ मेरा, मेरी खता क्या, वो छोड़ गया है साथ मेरा, मेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। छोड़ गया है साथ मेरा, मेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। और प्यासे ही रह जाते हैं जमाने के सवाल, प्यासे ही रह जाते हैं जमाने के सवाल, मैं किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। प्यासे ही रह जाते हैं जमाने के सवाल, मैं किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। और यूं तो बहा के ले जाए मुझे एक कतरा आंसू, यूं कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। चलेगा सर।
मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, बस इसके बाद फिर मेरा इंतहा क्या लेगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चिराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता मगर मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। गाने का मौका तो मिला नहीं, मैं गाने गाने वाला था तो उसका कसर मैं इसमें पूरा करूंगा अपना। तो मेरा गाना है बसंती हवा बह रहल बा, कुछ गाने में कह रहल बा, जिंदगी में प्यार के मौसम सुहाना हो गई, दिल दीवाना हो गई, दिल दीवाना हो गई बा। कुछ नहीं कहने, तू गाना गा दिया। हाँ सर, क्या मैं भी गाऊंगा। जब वो नाचे मुझे उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। गिरा क्यों रहा है? क्या था यार, मैं क्या करूं? बार बार गिराएगा, मैं कॉमेडी नहीं करूंगा, चले जाऊंगा। भाई ऐसा मत कर, तू चली जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तू जा, ऐसा मत कर, तू यहाँ पे रुक। तुझे एक बात बताऊं? बोल। मेरी बीबी का क्या लड़का हुआ है? बच्चा भी ऐसे पैदा हुआ था। सारी वैरायटियां है, एक मिठाई है वो, एक ही है तो। अरे रसवाल सीधा गिरा है, सीधा गिरा है। कैसा लगा? अरे भाई मजा आ गया रसगुल्ला खा के। रसगुल्ला नहीं, तो गुलाब जामुन था। गुलाब जामुन तो अच्छा है, मस्त है। वो छोड़, जो भी था ये ले, मूंगफली खा। मूंगफली मस्त है, छिलका निकला हुआ है। अच्छा वो ये भी अच्छा था, मजा आ गया। बताइए क्या भाई? ये तो नहीं पता ये क्या था। हाँ। क्या है? लेकिन ना जरूर पता कि 14 थप्पड़ जरूर पड़ने वाला है। अच्छा वो छोड़, ये ले कोल्ड ड्रिंक पी तू। कोल्ड ड्रिंक तेरे पास सारी वैरायटी ऐसी है, जल्दी भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठंडा हो जाएगा। भाई ये भी मजा आ गया भाई, शरबत पी के बड़ा मजा आ गया। शरबत नहीं था वो, कोल्ड ड्रिंक थी। कोल्ड ड्रिंक थी तो मख तेरी कोल्ड ड्रिंक थी, छोड़ दिया। प्लास्टिक की बोतल थी, प्लास्टिक बोतल से खोलते लेट हो गए हम लोग।
एबीसीडी खेलते तो पता है एबीसीडी? अरे मास्टर जी सिखाते नहीं थे? कौन से मास्टर जी? गाँव वाले पांडे जी? गाँव वाले? हाँ चलो खेलते वही वाला मजा आएगा। अच्छा ठीक है। इसे एप्पल, इसे बड़ा एप्पल, इसे छोटा एप्पल, इसे दूसर का एप्पल, इसे और एप्पल, ऐसे फोकट का एप्पल, ऐसे गोल एप्पल, ऐसे हमार एप्पल, ऐसे इतना सारे एप्पल, ऐसे जाने खाएंगे एप्पल, ऐसे लेवे के पड़ेगा एप्पल, ऐसे मुझको नहीं पसंद है ना एप्पल, ऐसे ना ना तुमको खाना पड़ेगा एप्पल, ओसे ओवर स्मार्ट एप्पल, इसे पिंकी वाला दे दो ना एप्पल, नहीं मिलेगा एप्पल। इसे तुमको नहीं मिलेगा। पता ऐसे सेहतमंद रहेंगे खा के एप्पल, तुमको बाद में नहीं मिलेगा एप्पल। यू से उपाध्याय जी को दे दीजिए। नहीं एक्सरसाइज कर रहा है जेट से जवानी में सुखा गई है। अच्छा एक और बात बताऊं तुझे? बोल। पक्का बताऊं? बता दूं? बता नहीं बताऊंगा। अच्छा भूल गया मैं, यही था ना? भूल गया मैं, फिर से बोल रहा है। मैं लवर्स पॉइंट जा रहा हूँ आजकल। नहीं रे, बहुत मजा कर रहा हूँ मैं। तो हक बनता है वहाँ पे जाने का। क्यों बे? तो वहीं की गलती है। अपने का मतलब ये है कि जब दो प्रेमी की कहानी अधूरी छूट जाती है हाँ? तो तेरी ऐसी गलती आ जाती है। सही पकड़े हैं। फिल्म सिटी जा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों भाई? बड़ा मजा आ रहा है इधर। क्यों? उधर दिखते सर भी पासा पासू, पासा पासू है, कितनी ढासू। अरे इतना मस्त कपड़ा पहनती पकड़, इतना मस्त कपड़ा पहनती, मच्छर भी कुछ सोचता हुआ काटने को। कितना मस्त स्माइल करती पता है? अच्छा कितना मस्त स्माइल करती, मन करता टूथब्रश बन जाओ। कभी ढासू कभी दे, बहुत मजा आता, बहुत मजा आते। हमारा मुंह कहाँ देख रहा है? डायलॉग बोलेगा ऐसा इंसान है बे। बोला कौन सा? तोरे शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी? अच्छा ठीक है बोलबो। मेरी शादी होने वाली थी तो काहे गोबर करा रहा है? तो बड़ी गया भूल गया हूँ। तो ऐसा है कि मेरी शादी होने वाली थी जो कि नहीं हुई। लड़की का बाप आया था हाथ मांगने के लिए, मैंने ना बोल दिया। ना बोल दिया? हाँ क्यों? अरे हाथ दे दूंगा तो धोऊंगा कैसे? तो चला हाथ तो साफ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गरीब कंका। अच्छा मैंने सुना तूने बहुत इंग्लिश पढ़ा हुआ है। अरे इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हमेशा घर में पढ़ा रहता हूँ। अरे मेरा बोलने मतलब वो नहीं था, मेरा बोलने का मतलब था कि तुझे इंग्लिश बोलने आती है? आती है। अच्छा बोल के दिखा। बोल दूं? बोल इंग्लिश। ऐसे तो मुझे सारी ज़बानें आती हैं। बोल के दिखा। बोल दूं? बोल दे सारी ज़बानें। सवाल पूछ दे मेरे से इंग्लिश में। सवाल पूछूं? हाँ पूछ। रेडी है? हाँ पूछ। अच्छा बता अंडे को इंग्लिश में क्या? एग। अच्छा वेरी गुड। कुछ तो आया, मैं आया ना इसके लिए आया ना। अगर अंडे के साथ मुर्गी हो तो? अंडे की अम्मी। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क पैक मम्मी। बहुत सही जा रहे हैं। मैं आया ना कितनी बार बोली। अच्छा सिस्टर को इंग्लिश में? सिस्टर को इंग्लिश में बहन। उल्टा बोल दिया। अच्छा चौथा कल को क्या बोलते हैं? कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल को इंग्लिश में टुमारो। और परसों को? टुमारो को और एक मारो।
लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बुलाना रहेगा तो क्या बोलेगा? कम हियर। और मुझे भेजना रहेगा तो कम हियर। तो सर को कुछ बोलना था, सब लोग कुछ बोलना चाहता था। अच्छा हाँ, क्या बोलना चाहता था? मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर और आप लोगों के लिए। ये मेरा फोन आ गया, मैं आता हूँ। फोन आ गया, अभी आना आता हूँ। तो पेप्स कॉलेज में आके मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे मैं सीरियसली पढ़ाई करने आया हूँ। झूठ बोल रहा है तू, तूने मेरे बैच पांडा मारा। हेलो 5.2 बैच की सभी लड़कियों को मैं अपनी दिल से बहन मानता हूँ। झूठ झूठ कोई था उधर, बात करूँ धीरे जा। हाँ देख रहा है, आवाज बराबर नहीं है। ठीक है, हेलो हेलो, क्या हुआ? कहाँ पहना मैं? सो हेलो 5.2 बैच के जो जितने भी लीडर हैं वो सब अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। घंटा और हमारे 5.1 बैच की जो लड़कियां हैं वो क्या माल है। और 5.1 बैच के लड़के जो हैं बहुत ही कमाल कर रहे हैं। और हमारे 5.2 बैच के लड़के जो हैं वो बोला तो 5.2 भी हैं क्या? लड़के ही है ना 5.2 के बच्चे लड़के बोका है, बोका बोका है। बैच निकालो। दानिश दानिश नहीं बोलना। हाँ भाई क्या गाना गाता है यार? अजय यार ये हमारा बचपन का दोस्त है, जहाँ भी जाता है चंद शब्द मैं हमारे प्रोफेसर तू ही बोल ले आजा। और चंद सर मैं हमारे प्रोफेसर मिस्टर उपाध्याय जी के बारे में कहना चाहता हूँ जिन्होंने फैक्स कॉलेज में आके अपना बहुत बड़ा नाम किया है। तो उनकी दिल से रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। और प्रोफेसर उपाध्याय जी ने हमें जो भी पढ़ाया है वो कुछ नहीं समझा। और फैप्स कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब जो पढ़ाने का तरीका है उनका सब हाई क्वालिटी है। हमारे बाबू सर क्या पूछते हैं? टेल मी अबाउट भगत सिंह। हमारे एक प्रिंसिपल हैं मिस्टर अशफाक सर, जो उनके प्यारा सा मैसेज दिया उन्होंने। अशफाक सर कहते हैं इफ यू राइट मी सी यू आई राइट एफ यू। Thank you.
सॉरी वी आर वेरी सॉरी अगर किसी को सर अगर आप लोगों को बुरा लगा हो बुरा लगा तो हमारी दिल से माफ कीजिए कर दीजिए सर अगर आप लोगों को बुरा माफ कर दीजिए और भाई लोग अगर आप लोगों को बुरा लगा तो लोग घंटा सॉरी बोलो
Ha ha ha!
All
कॉलेज के दिन वो थे पुराने, आखिर यार आते हैं दूर से वो रोज आना, हमेशा याद आएगा. हम है फैबियंस, बाद में केटी का भी वो टेंशन याद आएगा. हम है फैबियंस, हम है फैबियंस, हम है फैबियंस, हम है फैबियंस, हम है फैबियंस. जोश लो यार, अब क्या गाना है. हम है फैबियंस, हम है फैबियंस, हम है फैबियंस, हम है फैबियंस. Thank you.
आसमान से कूदे अंगड़ाई रे करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दी फिसल कर खो न जाएंगे तारे जमीन पर खो न जाएंगे जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें सजाना क्यों इसका दर्द हैरान तू मौसम का है मेहमान तू तेरे लिए खुद को जरा पहचान तो Yeah.
तुझे कसम आके मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना मेरी सुबह हो तुम ही और तुम मेरी होके हमेशा ही रहे।